हेलो गाइज, स्ट्रीमिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से मैं वीडियो बना के अब अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारी क्विज के आंसर्स आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से जान लोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो अच्छे से लेकर के आते रहते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के चिकित्सक कौन थे? तो पहला ऑप्शन वासुमित्र, दूसरा ऑप्शन नागार्जुन, तीसरा चरक और पतंजलि। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग फॉर द रेनबो एक बुक का नाम है, उसके लेखक के नाम को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आनंद, नीलकांतन, KPL गिल एंड नीरज चौधरी एंड रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन डी सही है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजीत बजाज किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन, स्कीइंग खेल, क्रिकेट, हॉकी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, स्कीइंग खेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक कितने दिनों के बाद संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, 6th month। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन इसमें सही है डी, कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसका है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई से गिरा दिया जाए और हवा का प्रतिरोध नहीं है तो क्या होगा? यदि वस्तु को हम नीचे गिराते हैं, ठीक है, और हवा का कोई प्रतिरोध नहीं है, नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, देन व्हाट विल बी? यह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे गिरेगा, इसके त्वरण में वृद्धि होगी, या गति और त्वरण दोनों में वृद्धि होगी, या इसके गति में वृद्धि होगी? तो ऑप्शन इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसके गति में वृद्धि होगी। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स का ही है, एक वस्तु जब स्थिर है तब स्थिर ही रहेगा, यदि गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, या न्यूटन का कौन सा नियम है? काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था? मतलब किस वर्ष से पुलित्जर पुरस्कार देना शुरू किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के नोटों में जो हस्ताक्षर होते हैं, उन सभी में किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर भारत के गवर्नर का साइन होता है। वित्त मंत्री होते हैं जो 1 रुपए के सिक्के या जो सिक्के होते हैं उसको वित्त मंत्री प्रोवाइड कराते हैं, इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या इब्राहिम लोदी। ऑप्शन इसमें डी सही हो गया, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें से कौन सा मौनाग्रह नहीं है? ध्यान रखने वाली बात, मौनाग्रह नहीं पूछा है, तो मंगल हमारा मौनाग्रह नहीं है, बाकी सारे के सारे मौनी ग्रह हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो आपको बताना है, NH4, NH44, NH10, NH5। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, NH44। नेक्स्ट, हॉलीवुड कहाँ स्थित है? हॉलीवुड एक जगह का नाम है, आपको बताना है वो कहाँ स्थित है। आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो ऐसे हॉलीवुड जगह भी है जहाँ पर हॉलीवुड मूवीज के बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे कलाकार या आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बसे हुए हैं स्पेशली इसी के लिए। तो आपको ये बताना है, न्यूजर्सी या फ्लोरिडा या लंदन या कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? जो सूर्य का सबसे आउटर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, रेडियोधर्मी क्षेत्र या कोरोना। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मधुमक्खी के डंक में शामिल है। मधुमक्खी के डंक में क्या शामिल होता है, यानी जब वो डंक मारती है तो आपके बॉडी में क्या जाता है, एक अम्लीय तरल जाता है या एक विलयन जाता है, क्षारीय तरल जाता है या कोई नहीं जाता है इसमें से। ऑप्शन हमारा ए सही है, अम्लीय तरल जाता है, यानी कि एसिड, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है आपका, एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन कर्मा। कर्मा एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या सिक्किम में। तो हमारा ऑप्शन सही है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, आपको बेसिक मेटल्स के बताने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कमरे के तापमान पर अत्यधिक अस्थिर रहता है या कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है या फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होता है कि यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फॉस्फोरस है, P1, P6, P4 एंड P5। तो ऑप्शन हमारा होगा सी, P4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये प्रजाति आपको बतानी है, प्रोटोजोआ, एनिलिडा या पोरिफेरा या प्लेटीहेलमेथिनेस। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत, छोटी याद, बड़ी याद या त्वचा। तो ऑप्शन हमारा सही है, त्वचा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है, इवांगेलिस्ता टोरिसेला या चार्ल्स जेवियर थॉमस या एडवर्ड टेलर या गुस्ताव ताउसेक। ऑप्शन हमारा ए सही है, इवांगेलिस्ता टोरिसेली। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी पर्ल, प्रोट्रॉन, विजुअल बेसिक या सी। हमारा ऑप्शन होगा फोरट्रॉन। ओके दोस्तों, तो आप लगे रहिए इस चैनल के साथ, आगे ही हम ऐसे कुछ और भी जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये।